ओम शांति। पुरानी दुनिया जा रही है, नई दुनिया आ रही है। पुरानी दुनिया का जाना और नई दुनिया का आना और बीच का ये जो संगम युग है, हम श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों का कर्तव्य इस महापरिवर्तन के समय पर क्या है, एक चिंतन करें हम। बाबा स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा परमधाम से उतरकर 84 सालों से हम बच्चों को ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, और वो जो श्रृंगार है वो सतयुग में स्थूल में साकार में हम प्रैक्टिकल में होंगे। यहां जो सूक्ष्म बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है वो हम सतयुग में होंगे। परमधाम सभी आत्माओं को जाना है, हम भी जाएंगे, दुनिया वाले सभी आत्मा जाएंगे, वो भी पावन बन के। पावन बनने की तरीका क्या है? भगवान को याद करना। भगवान को हम भी याद करते हैं, दुनिया वाले जो ज्ञान में नहीं चलते हैं या शुद्धन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, वो भी भगवान को याद करते हैं। और बाबा ने कहा जिसने 1 सेकंड में बाबा को याद करेगा उसको भी मुक्ति मिलेगी, परमधाम वो आत्माएं भी जाएंगे। देख ले कि अभी की स्थिति क्या है। ये जो महामारी का समय चल रहा है, ऐसे समय पर सभी अपने घरों में बंद हैं। जिनके पास बहुत धन है वो धन को खर्च नहीं कर सकते हैं, कोई चाहे तो प्लेन में उड़ नहीं सकता है, वन टायर एसी में सफर नहीं कर सकता है, चाहे वो जनरल में भी वो सफर नहीं कर सकता है, चाहे जिसका पास 10 रुपया वो भी खर्च नहीं कर सकता है, चाहे करोड़ों हो वो भी खर्च नहीं कर सकता है। मन में वैराग्य वृत्ति हर एक के मन में है, सबके मन में एक ही सोच, मेरा क्या होगा। लेकिन यहां एक सोच ये होना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो ये जो सोच है मेरा क्या होगा, ये वैराग्य वृत्ति और भगवान की तरफ मन को ले जाना, मतलब ये अंतिम स्थिति है जब आप सब देह दुनिया वस्तु संबंध किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, सिर्फ परमपिता परमात्मा ईश्वर को आप याद करेंगे तो परमधाम चले जाएंगे। लेकिन परमधाम से फिर जो नई दुनिया में आने वाले हैं वो आत्माएं क्या करेंगे, जो 84 सालों से ज्ञान योग धारणा तपस्या शुद्धन शुद्ध चलन श्रीमत पर चलना खुशी में रहना कोई भी परिस्थिति में ये जो एक्टिंग सब सीख रहे हैं, अपने संस्कार को बना रहे हैं, या इतने लंबे समय से तन मन धन की सेवा करते आ रहे हैं, तो वो आत्माएं सो इच्छा से जिन्होंने किया है वो सतयुग जाएंगे और उनका भाग्य जो है वहां वो भोगेंगे। और कितना गुणा, यहां अगर 1 गुणा किए हैं वहां पदम गुणा भोगेंगे। तो अभी समय है हर एक की बुद्धि में परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। मैं अपने जीवन को परिवर्तन करूं, मैं अपनी सोच को परिवर्तन करूं, मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करूं, मैं अपने बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगाऊं, ये संकल्प चल रहा है। लेकिन ऐसे समय पर हम आत्मा को अगर समय से पहले जो जो किए हैं, अभी तो समझ लिए एक ट्रायल है, इसके बाद भी हम अगर अपने समय श्वास संकल्प तन मन धन दिल से सफल नहीं किए, लेकिन प्रकृति की परिस्थिति के अनुसार अगर हम भाग्य बनाने चाहेंगे वो भाग्य नहीं बनेगा। अभी भी कई लोगों का फोन आ रहा है, यज्ञ में मुझे इतना देना है, कैसे नहीं दे पा रहे हैं, कुछ निकाल नहीं पा। अभी भी कई लोगों के मन में संकल्प हो रहा कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, परिस्थिति और भी भीषण हो जाएगी। जब 5 तत्वों का बार होगा, प्रकृति की आपदाएं, भाई भाई आपस में लड़ाई, ये जो बम गिरेंगे इतने सारे, कितने प्रकार की दुखों का भूकंप भूचाल, इन परिस्थितियों में कोई किसी को देखने वाला है ही नहीं। अभी कोई शरीर छोड़ता तो चारों कंधे दे देते हैं या गाड़ी में ले जाते हैं, लेकिन ऐसे भीषण परिस्थिति महाविनाश होने वाली है,
जो कोई किसी को देखने वाला नहीं है, ना परिवार, ना संसार, ना दुनिया। इसीलिए आत्मा का पाप जो कटेगी जन्म जन्म की, दिल से परमात्मा को याद करे, समय निकाले, तपस्या करे, दिल की गहराई में शिव बाबा, परमात्मा, ईश्वर को, वो अल्लाह को, वो भगवान को इतना संभाले कि मेरा एक खुदा है, और जो भी मौका मिले, अभी तो परिस्थिति करा रहा है, लेकिन इसके बाद फिर से थोड़ा समय मिल जाएगा कि पुरुषार्थ करने के लिए, तो क्या करेंगे हम? अपनी लगन को इतना बढ़ाएंगे, बाबा की श्रीमत, बाबा की मुरली जितनी जितनी हम धारणा करते जाएंगे, हमारा जीवन इतना सुंदर बनता जाएगा। और वो परिस्थिति जैसे एक योद्धा होता है, युद्ध से पहले हर प्रकार की तलवार चलाने की सब प्रकार की कलाएं वो सीख के जाता है, अगर बिना सीखे जाएगा तो। हमें भी हर प्रकार की कलाएं सीखनी है, जो सतीग में आठ होगा दिव्यता। अभी प्रकृति की बार से हमारे मन में दिव्यता आ गई है कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मन को स्वच्छ रखना है, दूरी मेंटेन करना है। ये सरकार कह रही है, प्रकृति कह रही है, समय कह रहा है। अगर हमें यही पुरुषार्थ पहले से हमारे मन में यही भावना पहले से होता है तो बहुत भाग्य जमा हो जाता है, और संसार में महान आत्मा इस महापरिवर्तन के समय पर हमारा महान कर्तव्य दिखाई देता है। अभी और एक समय आने वाला है, जो बाबा ने कहा है, जिन्होंने पुरुषार्थ किए हैं, जिन्होंने झोली भरा है, जिन्होंने शक्तियां भरे हैं, अपनी दृष्टि से संसार को शांति की किरणों से अनेक आत्मा को शांत करेंगे, जो ज्ञान योग धारणा, जो ऐसे वैसे खाते हैं, ऐसे वैसे रहते हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उन वो तो हाय 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 बाबा कहते हैं, क्या होने वाली है दुनिया की हाल। लेकिन ऐसे समय पर उन आत्माओं को शांति कौन देगा? भगवान तो दे ही रहा है सदा के लिए, लेकिन हम आत्माएं मास्टर भगवान बन अनेक आत्माओं को सुख शांति देनी है, राहत देनी है, चैन देना है, सुकून देना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है हमको। उसके लिए हमें हो जाना है तैयार। यह है समय की पुकार। अभी हम जागे, कितना सुनहरा समय, कितनी सुनहरी घड़ियां हम बच्चों को मिला है सृष्टि की कल्याण के लिए, अपने भाग्य बनाने के लिए। आंखें देखती है, पैर चलता है, हाथ कर्म करता है और मुख खाता है। मेरे कहने के भाव है, एक बार एक पेड़ में आंखों ने देखा, पैर चल के गया, हाथ ने तोड़ा, मुख ने खाया और पेट में गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? माली ने देखा, पीठ में डंडा पड़ा। आखिर जिसने देखा था, आंखों ने देखी थी, तो आंखों में आंसू टपक पड़े, क्योंकि पीठ में पड़ने के बाद जो दर्द हुआ वो आंखों में आंसू आ गए। इसको कहते हैं कर्म चक्र। जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। तो हमारे भी कर्म ऐसा है, हम जो भी कर्म करते हैं रिटर्न, आंखों ने देखी, आंखों ने आंसू बहा, तो हमारे कर्म हम जो करते हैं उसका रिटर्न हमें मिलने वाला है। ये परमात्मा हमें समझा रहे हैं। और द्वापर से जो कर्म करते आए हैं, जन्म जन्म से भी कर्म, उसको सुकर्म बनाने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अभी परमात्मा की याद अत्यंत आवश्यकता है। मन को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें और परमात्मा की याद में खो जाएं। वक्त यही है,
हमें तैयार होने का, समय को सफल बनाए और समय को सही ढंग से यूज करें। तपस्या से इतनी शक्ति भर दे अपने अंदर, तपस्वी मूर्त बन के वो फरिश्ता स्वरूप हम बन जाएं जो बाबा का अरमान है, जिसके लिए भगवान धरती पर आया है, हम बच्चों को बना रहा है। ओम शांति। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे, बरसेगी इतनी शांति की किरणें, बरसेगी इतनी शांति की किरणें, मनोजल तुम पाओगे। आओ प्रभु प्रेम पाओ, जीवन पावन बनाओ। आओ प्रभु प्रेम पाओ, जीवन पावन बनाओ। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे, बरसेगी इतनी शांति की किरणें, बरसेगी इतनी शांति की किरणें, मन उज्जल तुम पाओगे। आओ प्रभु प्रेम पाओ, जीवन पावन बनाओ। आओ प्रभु प्रेम पाओ, जीवन पावन बनाओ।